हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर और शिमला मिर्च की बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी। इसके लिए 4 मीडियम साइज का प्याज, 1 बड़ी शिमला मिर्च, 2 टमाटर मीडियम साइज का, 8 से 10 लहसुन की कलियां और आधा इंच अदरक का टुकड़ा लेंगे। 10 से 12 काजू ले लें, उसको पानी में डालकर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 3 प्याज को इस तरह से लंबे लंबे स्लाइस में काट लेंगे और इसी में लहसुन और अदरक तीनों को मिक्स करके इसका पेस्ट बना लें। उसके बाद टमाटर और काजू का एक साथ पेस्ट बना लेंगे। देखिए, सभी को पीस कर पेस्ट बना ली हूँ। अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसके लिए 1 प्याज के इस तरह से लंबे लंबे इसके छल्ले निकाल ली हूँ और शिमला मिर्च को भी इस तरह से थोड़े चौड़े चौड़े टुकड़ों में काट ली हूँ और चौखुट चौखुट पनीर को काट कर ले लेंगे। उसके बाद गैस ऑन कर लें और कढ़ाई रख दें। कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच तेल डाल देंगे। तेल थोड़ा गर्म हो जाने के बाद इसमें शिमला मिर्च और प्याज को हल्का सा फ्राई करेंगे। फ्राई करने से शिमला मिर्च का जो कच्चापन है वो निकल जाएगा। इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, शिमला मिर्च का कलर चेंज नहीं होना है, नहीं होने देना है। बस हल्का सा इसको फ्राई करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। उसके बाद इसको निकाल लेंगे। मैं कोई भी रेसिपी थोड़ा हेल्दी बनाने की कोशिश करती हूँ, इसलिए मैं तेल थोड़ा कम डालती हूँ। अगर आप चाहें तो अच्छे से तेल डालकर बना सकते हैं। अब शिमला मिर्च और प्याज को निकाल लेंगे बाहर। उसके बाद हल्का सा तेल और इसमें डाल दें। उसके बाद आधा चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा थोड़ा चटक जाए उसके बाद खड़े गरम मसाले डालेंगे। खड़े गरम मसाले में आप अपने मन के हिसाब से कोई भी डाल दें। मैं इसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 2 दालचीनी के टुकड़े डाल रहे हैं। 1 तेज़पत्ता डाल दें। उसके बाद पिसी हुई प्याज, अदरक, लहसुन का पेस्ट डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लें और इसे 5 मिनट तक अच्छी तरह से चलाते हुए इसको अच्छे से भूनना है, जब इसका सारा पानी सूख जाए और प्याज का कलर चेंज हो जाए। तब तक इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। प्याज हमारा जितना अच्छा से भूनेगा, सब्ज़ी हमारी उतनी ही अच्छी बनेगी, इसलिए प्याज को अच्छे से भूनना है। उसके बाद इसमें सूखे मसाले डालेंगे। देखिए, प्याज बिल्कुल अच्छे से भून गया है। अब 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए, आप चाहें तो डालें, नहीं तो स्किप कर दें। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे 1-2 मिनट के लिए। इसको इसी तरह से चलाकर मिक्स कर लें। उसके बाद इसमें टमाटर और काजू का पेस्ट डाल देंगे। पेस्ट को डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको इसी तरह से लगातार चलाते हुए भुनना है। 1 चम्मच कसूरी मेथी डाल दें। ये छोटा चम्मच से 1 चम्मच है। कसूरी मेथी डालकर इसे 10 मिनट तक मसाले को अच्छे से भुनना है। फिर नमक डाल दें। 1 चम्मच नमक डाल दें। नमक स्वाद के अनुसार डालें आप। अच्छे से मिक्स कर लें और इसी तरह से चलाते हुए इसको ढक ढक कर इसको अच्छे से भूनना है। जब हमारा मसाला अच्छे से भून जाएगा, इसमें से अच्छी खुशबू आने लगेगी। उसके बाद इसमें 3 से 4 चम्मच बिल्कुल ताज़ी मलाई डालेंगे।
जब ये अच्छे से भूनकर तैयार हो जाएगा उसके बाद अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब का बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस करें, अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर करें। अब मलाई डालकर इसे 3 से 4 मिनट और अच्छी तरह से मसाले को भून लेंगे। इसी तरह से लगातार चलाते हुए भून लें। मलाई इसमें बिल्कुल ताज़ी ही डालें, पुरानी मलाई डालने से उसमें अलग सा गंध आ जाएगा, इसलिए ताज़ी मलाई ही डालें। उसके बाद आधा चम्मच इसमें गरम मसाला डाल दें। अगर गरम मसाला नहीं है तो कोई भी किचन किंग मसाला या फिर कोई भी और दूसरे ब्रांड का मसाला डाल सकते हैं। गरम मसाला डालकर इसे अच्छे से मिक्स करें। देखिए अब हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है, अच्छे से भूनकर। उसके बाद सारी सब्जियां डाल देंगे, शिमला मिर्च, प्याज। ये वाली क्लिप डिलीट हो गई है इसलिए मैं बस सब्जियों को अभी डाली हूँ डालकर। और 1 कप इसमें पानी डाल दें, पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद इसको ढककर 10 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे 10 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे, ताकि सारे ग्रेवी का जो मसाला है वो हमारी सब्जियों में अच्छे से मिक्स हो जाए, सारी सब्जियों में मसाले का टेस्ट आ जाए। इसलिए लो फ्लेम पर इसको 10 मिनट तक पकने दें, बीच बीच में इसे चलाते रहें, ऐसा नहीं कि छोड़ दें, छोड़ देने से ये जलने लगेगा, इसलिए बीच बीच में चलाते हुए इसको 10 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे। इसमें पनीर भी बहुत ही सॉफ्ट रहता है, क्योंकि पनीर को हमने फ्राई नहीं किया है, इसलिए। देखिए इस तरह से बहुत ही टेस्टी सब्जी, पनीर शिमला मिर्च की टेस्टी सब्जी बनकर तैयार हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।